ये सारे टाइम जितने महीने आप बैठे हो, फारग बैठे हुए, उसके आपको पैसे देने, जो कामे के खर्चे हैं साल के वो भी 12-13 हजार से नीचे नहीं है, कोई ब्लैंक पेपर पे साइन कराएगा आजाद वीजे पे यहाँ सऊदी अरब नहीं आना। तो ये मोबाइल मेरी ऑडियंस में से किसी को भी मिल सकता है। सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा ये चैनल तीन चीजों के लिए बना था। एक ये कि आजाद वीजे पे जो लोग आते हैं उसके क्या नुकसान हैं, और यहाँ पे सऊदी अरब के बारे में जो गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं उसके बारे में बात करता था मैं। दूसरा, तीसरा यहाँ के बारे में जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग बैठे हुए थे जिनको मैं नमक हराम कहता हूँ, मैं उन पर मेनली वीडियोज बनाता हूँ। और उसके अलावा कभी कभी ब्लॉग बना दिए, कभी मेरी जाती कोई एक्टिविटी मुझे जो अच्छी लगती है मैं वो अपलोड कर देता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा आजाद वीजे के बारे में, और इस वीडियो का टाइटल ही मैंने ये दिया है कि साइड इफेक्ट्स ऑफ आजाद वीजा, क्योंकि आजाद वीजा नाम का कोई भी वीजा नहीं होता है। ये गैर कानूनी कॉन्सेप्ट है जिसको हम आजाद वीजा कहते हैं। और अक्सर मैं आए दिन लोगों की पोज देख रहा होता हूँ जो दुनिया के समझते हैं कि हम दुनिया के तेज बंदे और आजाद वीजे पे आने के लिए यहाँ लिख रहे हो, यानी आ जाए या नहीं आ जाए। इस तरह के लोगों को मैं खास तौर पर मुखातिब करके कहूंगा कि आजाद वीजे पे मैं पिछले 5 साल से या 6 साल से शायद वीडियोस बना रहा हूं, अब फिर ये बात बोल रहा हूं, आजाद वीजे पे यहां सऊदी अरब नहीं आना। पैसे लगा के, जेवर बेच के, उधार ले के यहां आओगे, फिर यहाँ के जो जो कामे के खर्चे हैं साल के वो भी 12-13 हजार से नीचे नहीं है रियाल से वो भी फिर, और आप नौकरी मिले नहीं मिले, काम सेट हो नहीं हो, बहरहाल आपने वो 12-13 हजार रियाल यहाँ पे आके देने ही देने हैं। अगर काम आपने वैलिड रखना तो प्लीज प्लीज आजाद वीजे के चक्करों में ना पड़े। तो शुरू करते हैं इस बात से कि आजाद वीजे का नुकसान क्या है। पहला नुकसान ये है कि आपको वहां, आप यहां पे अपने रिस्क लेकर आ रहे हो कि यहां मैं जाऊं, मैं सऊदी जाऊंगा फिर नौकरी ढूंढूंगा। मतलब पहले आओगे, पैसा खर्च करोगे, फिर यहां घर ढूंढोगे, फिर अकामा बनाओगे, फिर उसके बाद जाके नौकरी ढूंढोगे, क्योंकि अगर आपका अकामा नहीं बना हुआ तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरा ये है कि अगर कहीं से, यानी कि वैसे भी आजकल की बहुत जॉब जो है बहुत ही लिमिटेड है और नहीं मिल रही है, मैं तो ये कहूंगा। और उसमें नुकसान आपका क्या है, ये सारे टाइम जितने महीने आप बैठे हो, फारग बैठे हुए, उसके आपको पैसे, क्योंकि अब आजाद वीजा गवर्नमेंट को धोखा दे के आए हो आप। गवर्नमेंट को ये बोल के आए हो कि मुझे उस कफील ने मुझे अपने पास नौकरी पे बुलाया है, जो कि फेक है। आजाद वीजा जिसको आप कहते हो, बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से वो वर्क वीजा होता है जिसमें कफील की जिम्मेदारी होती है तनख्वाह देना। अब क्योंकि आप आजाद वीजे पे हो तो वो कफील पहले आपसे साइन वाइन ऐसे खतरनाक ले लेता है, ब्लैंक पेपर पे ले लेता है कि आप उसके खिलाफ नहीं जाओ। जहां आप खिलाफ गए वो कुछ भी लिख के बोल सकता है, और अक्सर ऐसा हुआ है, मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई है उसके ऊपर, वो आप देख सकते हैं। और मेन बात इसमें, वीडियो ना बेटा, ओके। तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट साइन करा लेगा, पासपोर्ट शायद आपका रख ले जो कि इलीगल है, कोई ब्लैंक पेपर पे साइन कराएगा वो भी लीगल है, सिर्फ अरबी में पेपर लाके बोलेगा कि इस पे साइन करो वो भी लीगल है, क्योंकि आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन ना करें जब तक आप उसको अपनी लैंग्वेज में समझ नहीं रहे, तो या तो इंग्लिश या अरबिक, नहीं ये भी समझ में आ रहा तो बोले कि मैं साइन नहीं करूंगा, पहले मैं चेक करूंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा। ये सब के लिए आपको कफील टाइम नहीं देता, क्योंकि उसको पता है आप गैर कानूनी तरीके से सो कॉल्ड आजाद वीजे पे आए हैं, जो कि गैर कानूनी है वीजा, इसलिए आपके इसमें राइट सारे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह आपकी इंट्री ही गैर कानूनी तरीके से हुई है, वहां पे आप क्या अपनी राइट्स की बात करें। ये पहली चीज, इंश्योरेंस, ये सब, जब आपको नौकरी ही नहीं है तो आपका इंश्योरेंस भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता। आप यहाँ पे जो है आप पैसे लगा के, लाखों लगा के यहाँ के नौकरी ढूंढ रहे हो, जो कि टोटली रिस्की है। यहाँ आपको अरबी नहीं आती, यहाँ आपको कुछ भी नहीं बन सकता अगर आपके पास अकामा नहीं। लोग कहते हैं वाकफियत से नौकरी मिल जाती है, भाई वो टाइम गया। अभी अगर आपके हाथ में नौकरी है, जॉब ऑफर है, बंदा कह रहा है कि आप यहाँ वीजा लेके हम जॉब दे रहे हैं, जॉब ऑफर लेटर वगैरह ऑफिशियली सब कुछ है, तो फिर वो वीजा भी दे सकता है। वीजा वो ऐसे दे सकता है, वीजा देने के सिर्फ 2000 रियल लगते हैं। जो आप ब्लैक में, यानी गैर कानूनी वीजे को आप जो 8-10 हजार रियल में खरीद रहे हो, उस गवर्नमेंट सिर्फ 2000 लेती है उसको, और गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि आप के ट्रैवल का खर्चा, सैलरी, अकामा, ये सब जो है जिसने आपको जॉब दी है, जिसने वीजा, उसकी ही की जिम्मेदारी है वीजा देना, उसी की जिम्मेदारी है आपका अकामा बनाना, उसी की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कराना, सब चीजें उसकी जिम्मेदारी है, ये लीगल है।
तो अगर आप लीगली आते हो, कॉन्ट्रैक्ट वाइज आते हो, कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा, एक पोर्टल है उसे साइन करना होता है, फिर जाके आप यहाँ पे आते हो, तो आपकी जॉब सिक्योर होती है। अब आजाद वीजे पे ये सारी चीजें नहीं है, लोग खुश इस बात पे हो रहे होते हैं यार आजाद कुछ ने कुछ नहीं मांगा, यहाँ आके जो फंसते हो ना वो किसी को, वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो प्लीज इस तरह के आजाद वीजे के चक्करों में ना पड़े, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। इसलिए मैंने इसको एक साइड इफेक्ट कह के एक टाइटल देके समझाने की कोशिश की है। बाकी आजाद वीजे के ऊपर इसी लिस्ट के ऊपर 8-5-6 वीडियोस और होंगी, उसमें भी आप अलग अलग पैटर्न से समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप ये भी समझ सकते हैं कि आजाद वीजे के नुकसान क्यों हैं, अलग अलग वीडियो में अलग अलग बातें मैंने बताई हुई हैं, एक ही मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इसको कंसिडर करो कि यही एक बेस्ट ऑप्शन है। सारी वीडियोज मेरी इस हवाले से पड़ी हुई हैं। और ये क्या है? आईफोन आईफोन। ओके, ये तो सब जानते हैं, इसका लोगो भी सब जानते हैं। मुझे किसी ने कहा, मैंने अपनी वीडियोस बनाना काफी हद तक कम कर दी थी, किसी ने मुझसे कहा कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, डिटेल में समझाते हो, रियलिटी बेस्ड बातें करते हो, खुशफहमी वाली, खुशखबरी वाली टॉपिक नहीं लगाते हो, जो हकीकत है वही बोलते हो। तो किसी ने मुझसे कहा कि आप चैनल को प्रमोट करें, काफी लोगों की मेरे लिए रिक्वेस्ट थी और मैं उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं अब चैनल को पहले से ज्यादा चाहूंगा कि ये चले। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेशन जो आप तक आती है सही है, फेक नहीं है, झूठ नहीं है, प्रोपेगेंडा वाले जो खुशखबरियां आपको दिखा रहे होते हैं, खास तौर पर जिन टीवी का चैनल का मैं अक्सर में करता हूँ उस तरह की, अगर आपको कुछ भी नहीं रख रहे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जैसे भी आपको लगे। मेरा टारगेट है ये मोबाइल, ये मैं उन यूजर्स में से रैंडमली जो व्यूअर्स मेरे रहते हैं, तो ये 1 लाख मेरे अगर सब्सक्राइबर बने और 1 लाख तक मैं चेक करूंगा कि मेरी ऑडियंस कहाँ कहाँ एंगेज रही, नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ कहाँ के कौन रही, जो नेगेटिव भी बोलते हैं ना वो भी डिजर्व कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लॉन्ग एज आप कंटेंट देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, और मैं किसी, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को मतलब टारगेट करूं या मैं आप लोगों को जलील करूं, नहीं, मेरा मतलब है रियलिटी को समझाऊं। और मैं आज से नहीं, 7 साल से कोशिश कर रहा हूँ, लोग मुझे उल्टा सीधा बोलने लग गए थे आपको क्या पड़ी, आप हमारे लोगों को क्यों बोलते हैं, भाई मुझे है, जब लोग यहाँ पैसे मैं देखता हूँ उनके बर्बाद हो रहे होते हैं ना, अकली की वजह से या कम इल्मी की वजह से जो होता है ना, इस वजह से मैं ये चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ। मैं कुछ लोगों के अगर पैसे बर्बाद होने से, अगर मेरे चैनल के थ्रू अगर किसी को मेरी बात समझ में आती है, किसी का पैसा बर्बाद होने से बच रहा है, इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की कोई बात नहीं होगी। बट फिर भी मेरा है कि अगर 1 लाख टारगेट में अगर मैं कर लेता हूँ तो ये मोबाइल मेरी ऑडियंस में से किसी को भी मिल सकता है, तो वो मैं चेक करूंगा कि किसको देना है। उसके अलावा भी और भी गिफ्ट्स रहेंगे, गिव अवेज रहेंगे, तो मेरे ख्याल से मेन प्राइज इसको रखते हैं, बाकी सबको तो इतना नहीं रखते हैं। तो इसको पाने के लिए आप सब शुरू हो जाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को भी बोलें जिनको समझ में नहीं आता कि आजाद वीजा क्या है, उनको मेरी वीडियो उठा के उन पे उनके पास भेज दें, क्योंकि आप जो समझाओगे वो नहीं समझेंगे, जो चीजें मैंने, काफी चीजें होती हैं जो आप वीडियो के थ्रू लोगों को समझाना है, आपके लिए भी ईजी रहेगा। थैंक यू सो मच। और नमा खराम वाली सीरीज मेरी फिर भी चलती रहेगी, इन लोगों को मैं फिर भी एक्सपोज करता रहूंगा, तो इसमें जो भी साथ है आप, आई थिंक बस इतना काफ़ी है, बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है, और बस थैंक यू।